आईएसएफ के हथियारों से पुलिस की मुठभेड़। हथियार में प्रयुक्त ईंट बरामद करने गई थी पुलिस। मुठभेड़ में हत्यारे मोहन और सौरभ को लगी गोली। पनकी पुलिस से नहर किनारे हुई मुठभेड़, खबर इस वक्त आपको बता रही। मुठभेड़ में हत्यारे मोहन और सौरभ को गोली लगी है। गाड़ी भिड़ने पर हत्यारों ने मंगलवार को हत्या की थी। सीआईएसएफ के हत्यारों से हत्या में प्रयुक्त ईंट बरामद करने पुलिस गई थी। मुठभेड़ में हत्यारे मोहन और सौरभ को गोली लगी, खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सुनील गुप्ता हमारे संवाददाता इस खबर पे, हमारे इनपुट हेड इस खबर पे माफ कीजिएगा जुड़ गए हैं। सुनील जी, क्या जानकारी इस खबर को लेकर आपके पास? तो मामला है दोपहर में ये सौरभ और मोहन जो युवक थे, ये सीआईएसएफ के दौरान इनका गाड़ी भिड़ने के बाद झगड़ा हुआ था। क्योंकि ये दोनों में इन दोनों ने शराब पी रखी थी और उसके बाद सीआईएसएफ के जवान ने जब इनकी गाड़ी भिड़ने के इनसे विरोध किया, इनको आगे चल के बातचीत करने के लिए कहा, तो इन दोनों ने निकल करके उसके साथ मारपीट शुरू की और वहीं पर पास में पड़ी एक ईंट उठा करके सिर्फ कुचल कुचल कर इनकी हत्या कर दी थी। और दिन दहाड़े हो रही इस तरीके की हत्या की वारदात को वहां पर एक महिला ने देखा, जिसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को देख करके ये हत्यारे स्कॉर्पियो अपनी जो गाड़ी थी काले रंग की, उस गाड़ी को लेकर के भाग निकले और इनके पुलिस ने चारों पूरे शहर में इस गाड़ी के बारे में जानकारी दी और वार्डल स्तर पर सूचना प्रसारित होते ही पुलिस ने चारों तरफ से नाकाबंदी की। तो इनको देर शाम तक शिवराजपुर के पास इनको पकड़ लिया गया और उसके बाद पुलिस आज इनको वहां पर जो हत्या में प्रयुक्त ईंट थी उसको बरामद करने के लिए पनकी न्याय पुल के पास पहुंची थी, जहां पर हत्यारे थे ये गाड़ी में जो सवार थे जिनको पकड़ा गया है। ये दो हत्यारे थे सौरभ और मोहन, ये दोनों के दोनों वहां पर जब इनको वहां पर ले जाकर के पुलिस इनसे ईंट बरामद करने गई थी, वहीं पर इन्होंने पुलिस की पिस्टल निकाल करके पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, जिसमें पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से दोनों घायल हो गए। उन दोनों को अभी फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर इनसे अभी पूछताछ की जा रही है और कहा जा रहा है कि अभी और भी कुछ इन लोगों के जो पुराना बैकग्राउंड उसके बारे में पड़ताल की जा रही है। माना जा रहा है कि और भी हत्याओं में इनका हाथ होने की आशंका हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो सीएसएफ के जवान के हथियारों से मुठभेड़ हुई है पुलिस की, खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कानपुर से। और केजीएमयू